ईयर 1951 से लेकर 2023 तक किसी भी ड्रॉपर ने IIT JEE एग्जाम में टॉप नहीं किया एक्सेप्ट इन 2002। अब आपको उस व्यक्ति का नाम याद आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हो। राजस्थान जालौर के एक छोटे से गांव का लड़का जिसने अपनी हाई स्कूल जालौर सीनियर सेकेंडरी स्कूल से PCM में पूरी करी, वो भी हिंदी मीडियम के साथ। अब PCM ली थी तो IIT JEE की दौड़ में शामिल होना ही था। इन्होंने पहला अटैम्प्ट दिया और इनका नहीं निकला। ये चाहते तो 11th और 12th में कोचिंग कर सकते थे, लेकिन इनकी फैमिली कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी। इनके फादर एक नॉर्मल फार्मर थे। अब सिलेक्शन नहीं हुआ तो ये कोटा गए VK बंसल सर के पास और इनके फादर ने कहा कि फीस थोड़ी कम कर दो, मेरा बेटा जरूर इस बार IIT निकालेगा और आपको रिजल्ट ला के देगा, नहीं तो मुझे फीस के लिए अपने खेत बेचने पड़ेंगे। तब VK बंसल सर ने कहा, अगर आपको लगता है आपका बेटा IIT निकालेगा तो खेत बेच दो। और उसके फादर ने भी ठीक ऐसा ही किया। इस लड़के को बंसल क्लास के लोअर बेंच में डाल दिया गया क्योंकि ये लड़का पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था और ये हिंदी मीडियम से था। किसी भी फैकल्टी ने इस पर कोई खास फोकस नहीं करा और दिन रात IIT JEE की प्रिपरेशन में लगा रहा। अब क्या था, रिजल्ट का दिन आ गया और ये पता ही नहीं लग रहा था कि AIR1 किसकी आई है। सभी बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट अपने टॉपर्स का रिजल्ट चेक करने लगे क्योंकि वो बच्चा लोअर बैच का स्टूडेंट था। उसका रिजल्ट किसी ने भी चेक नहीं किया। पूरे कोटा में सिर्फ रिजल्ट का ही माहौल था। सभी बच्चे रिजल्ट का सेलिब्रेशन कर रहे थे। कुछ बच्चे दुखी थे, ड्रॉप लेने वाले थे, और कुछ बच्चे दूसरों को देखकर इंस्पायर हो रहे थे कि अगले साल हम भी JEE एडवांस का एग्जाम देंगे। शाम तक ये पता ही नहीं चलता कि AIR1 किसकी आई है, लेकिन उसी दिन रात को वो बच्चा बंसल क्लासेस के ऑफिस में जाके बताता है कि मैंने ऑल इंडिया रैंक 1 अचीव करी है। किसी को भी विश्वास नहीं होता क्योंकि वो एक लोअर बैच का बच्चा था और वो था दुंगारा राम चौधरी। आज के समय में ये US कैलिफोर्निया में एज मैनेजर काम कर रहे हैं एट ओरेकल। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन IIT कानपुर से कंप्यूटर साइंस में किया था। अगर हम बात करें उस साल के IIT के टफनेस के बारे में तो उस साल करीब 1.5 लाख स्टूडेंट्स ने IIT JEE का एग्जाम दिया था जिसमें से रैंक 1 आई दुंगारा राम चौधरी की। आप देख सकते हैं कैसे राजस्थान के छोटे से गांव का लड़का आज USA के अंदर करोड़ों रुपए की नौकरी कर रहा है।